अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। बोले तो पिक्चर। मेरी एक मुश्किल है, मेरे दिल में चाहे सैकड़ों जज्बातों का शोर क्यों ना हो, बाहर सिर्फ खामोशी नजर आती है। गौर से देखें तो मुश्किल भी खामोशी के भेस में ही आती है, दबे पांव, जैसे चुपके से हवा की तरह घर में दाखिल हो गई हो। ये मेरी खामोशी और उस खामोशी में छिपी गहरी कसौटी की कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है मेरे पास अपनी अनकही को कहने का। Thank you.
फील हुई। इतनी देर क्यों लगा दी? एक घंटे से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। आप कहोगे पेट्रोल भराने गए थे। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं पापा। ये खून कैसे लग गया हाथ पर? पेट्रोल भराते वक्त लग गया। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं? सालों से इस दिन का इंतजार किया है हमने। बुरियादा, अब चलो। कुछ बहुत अमीर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपने मूड और इमोशन के हिसाब से रंग चुनती हो। यू स्पीक थ्रू योर पेंटिंग्स माय डियर। मिस्टर और मिसेस देसाई आए हैं, आनंद के साथ अंदर वेट कर रहे हैं। कम, लेट्स गो। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। आबा जी पूरी एस्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरुभि को सौंप गई है, अब सारा कंट्रोल उसी के हाथ में। लेट मी गिव यू सम फ्रेंडली एडवाइस, हम बात को इतना ना बढ़ाएं कि कोर्ट में जाने की नौबत आ जाए। आखिर में आपने लॉयर्स वाली बात कर ही दी। आनंद, आज आबा एस्टेट बिलियंस की प्रॉपर्टी है, इसमें मेरी दिन रात की मेहनत लगी है। मैं इस एस्टेट को तब से बिल्ड कर रहा हूं जब सुरभि किसी इंडिया थर्ड क्लास ऑर्फनेज में थी। Stop it, किशोर। सुरभि, वेलकम, कैसे हो? बैठो। अगले हफ्ते तुम्हारी एग्जीबिशन है, राइट? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जिस काम के लिए वो बात कर ले। लेट मी बी वेरी क्लियर सुरभि,
आभा आंटी ने तुम्हें इस एस्टेट का ट्रस्टी इसे मेंटेन करने के लिए बनाया था, नॉट टू डोनेट इट अवे। एंड माइंड यू, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच लेना। सॉरी सुरभि, उम्र के साथ इनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, हर छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करने लग गए हैं। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। I'm not overreacting. I don't think she understands. इस एस्टेट का ट्रस्टी होना कोई मजाक नहीं है, इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। बिजनेस, फाइनेंस, एम्प्लॉइज, क्या तुम ये सब हैंडल कर पाओगे? आप भी ना, बस करो किशोर। I will see you next week for your exhibition. चलो किशोर। बाय सुरभि। अगर तू मेरी बेटी है तो कभी डरेगी नहीं, कभी नहीं डरेगी। Promise me? What did she write? तुम्हें लगता है उसने कोई नई बात की होगी? अब ये बात करने का क्या फायदा? आभा जी बहुत पहले ही ये विल सुरभि के नाम कर गई है, जो सुरभि को अब पता चला है। And I think she's doing a good thing. जो चीज मुफ्त में मिली होती है उसकी कभी कदर नहीं होती। आप समझदार हैं। ये बचपन है, समझाइए उसे। बड़ी गलती कर रहे हैं सब। Stabbed and choked to death. And the girl? She's still in a coma. Keep me informed. Yeah, will do. Well, it's been a long day, mate. I'll see you tomorrow. Yep. Good night. In Yorkshire, an unidentified man has been blamed for the murder of a petrol pump owner. According to police sources, the CCTV cameras of the petrol pump were not functional, and there were no witnesses, which is making the job for the police much more harder. आप समझ में आया कि तुम एक घंटा लेट क्यों थे? तुमने क्या ना? लड़की को छेड़ रहा था। तुम्हें याद है हम यहाँ क्यों आए हैं? या याद दिलाओ तुम्हें? याद है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कियों पर विश्वास मत करो। लड़कियां होती ही ऐसी हैं, तकलीफ लाती हैं और तकलीफ में डालती हैं, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। I'm sorry. बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। जब से पैदा हुए हो यू हैव ओनली डिसअपॉइंटेड मी। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, और मैं हूं कि हर बार विश्वास करता हूं तुम पे, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जा रहा हूं मैं। मुझे पापा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तुम करोगे? नहीं, नहीं करूंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। बुरियादा, इतनी कम उम्र में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें नहीं लगता कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि उम्र बीत गई, कोर्ट में लोगों को प्रॉपर्टी और पैसों के लिए लड़ते देख
लेकिन किसी को एक पल में इतना पैसा डोनेट करते हुए नहीं देखा। ये एक पल का डिसीजन नहीं है आनंद, सालों का है। सुरभि चाहती है कि इस पैसे से बहुत सारे अनाथ बच्चों की जिंदगी बन जाए। हाँ, लेकिन सुरभि देसाई को नहीं जानती। और देसाई सुरभि को नहीं जानते। She'll do exactly what she wants to do. True. इतना सब कुछ होने के बावजूद सारी जिंदगी सड़कों पे गुजारी हमने, लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है। आज जो हमारा है वो छीन लेंगे हम इनसे। मैं मैजिस्ट्रेट के पास जाकर रजिस्टर करवा दूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस, आभा एस्टेट की 50% इनकम तुम हमेशा के लिए ऑर्फनेज को डोनेट कर रही हो। अब ध्यान से पढ़ो और साइन कर दो। समझी? नहीं, थैंक यू। अरे पढ़े बिना? समझदार और गुड हार्टेड लड़की हो। I'm proud of you. I'll see you tomorrow. Take care. जब कोई बात दिल को सही लगे तब वो बात सही होती है, फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम बस अपने दिल की सुनना। देखो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्रेसपासर को पास देने से मर्डर चार्ज नहीं लगता, समझे?
तुम्हारी एडवाइस ने मेरा काम आसान कर दिया। ट्रेसपासर मैं नहीं, तुम। क्या लाया हो? लॉयर को मार दिया। विल है? कहां है वो? कहां है वो लड़की? अंदर होगी। अंदर क्यों है? जाओ जाके उसकी लाश ले आओ। जरूरत नहीं है, गूंगी बैरी है। गूंगी बैरी है लेकिन सब कुछ समझती है, लिप रीड कर सकती है। जो कुछ हमारा है उसको अपना करके बैठी है। लेकिन पापा, लेकिन फिर से वही, लड़कियों पे जुल्म नहीं करना चाहिए, है ना? तुम्हें याद है तुम्हारी मां ने हमारे साथ क्या सुलूक किया था? याद है तुम्हें? यहां सीढ़ियों पे बैठकर अपनी मां का इंतजार कर रहे हो? सोच रहे हो कि तुम्हारी मां वापस घर आएगी? वो नहीं आने वाली, चली गई वो, मुझे और तुम्हें छोड़कर। ये खत छोड़कर। और जानते हो उसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि वो मेरी वजह से इस घर को छोड़कर अपने मां बाप के वहां जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो तुम्हारी वजह से जा रही है। मनहूस हो तुम। जिस दिन से पैदा हुए हो इस घर को एक नर्क बना डाला है तुमने। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब आज ये आलम है तो जब बड़े हो जाओगे तो क्या होगा। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी मैं अपनी बीवी के बगैर रहा हूं। और अब जब बदले का वक्त आया तुम डगमगा रहे हो। ये सब कुछ हमारा है, हमारा। हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी आंखों में गुस्सा देखना चाहता हूं। गुस्सा देखना चाहता हूं। अरे मुश्ताक भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है, आप कैसी हैं? ठीक, बाहर बहुत ठंड है, अंदर आइए। शुक्रिया जी। क्या बात है आज इस वक्त? सब ठीक तो है ना?
वो आपके स्टेट के पीछे गैस स्टेशन है, वहाँ पे दो लोगों का बहुत ब्रूटल मर्डर हो गया है जी। ओह माय गॉड। किलर का कुछ पता नहीं अभी तक। ओह नहीं नहीं, इतनी घबराने की बात नहीं है। बस आप एक काम करना, अगर आपको इधर कोई अनजान आदमी दिखाई दे ना तो आप इन्फॉर्म कर देना पुलिस को बस। ऑफ कोर्स। और आपका वो जो केयर टेकर है जेम्स, बता देना आप उसको भी। जरूर बता दूंगी, थोड़ी देर में डॉग्स को फीड करने के लिए आएगा तभी बता दूंगी। वैसे वो पीने की आदत उसकी है अभी या? क्या मुश्ताक भाई, इतने सालों में नहीं गई तो अब क्या जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। वेलकम। बहुत खूबसूरत है। दिन भर पेंटिंग में खोई रहती हो, ये एग्जीबिशन भी ना। जाओ जल्दी से नहा के आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ओके, ओनली 5 मिनट्स। Ah!
आलीशान महल देखकर तुम्हारा खून नहीं खौलता? इस घर के लिए, इस ऐशो आराम के लिए तुम्हारी मां ने तुम्हें छोड़ दिया, और फिर जब औलाद की कमी महसूस हुई तो तुम्हें यहां नहीं बुलाया, बल्कि लंदन के किसी अनाथ आश्रम की गूंगी बहरी बच्ची अपना ली। ये सब तुम्हें देने के बजाय सब उसे देकर मर गई। इसे नाइंसाफी कहते हैं, और आज तुम्हें इंसाफ करना है। ये सब तेरा है, ये सब तेरा है।
Hello? Hello? Are you looking for someone? Yes, we have a report that someone has escaped from the asylum. Ah, yes, of course. Please follow me, officer. Thank you, mate. Well, this is him. He suffers from a severe paranoid schizophrenia. He is a murderer, but on account of his mental illness, he escaped a jail term and, well, landed up in here. Report says he was talking about his father waiting for him outside. Yes, he was. And he murdered two attendants here to escape. Sadly, yes. He is very clever and extremely dangerous indeed. भाग गई लगता है। भाग गई। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो लुका छिपी के चैंपियन थे, याद है? कोई नहीं पकड़ सकता था तुम्हें। अब लुका छिपी का चैंपियन एक लड़की को नहीं ढूंढ सकता, एक लड़की को नहीं ढूंढ सकता चैंपियन। Anybody home? कोई है? James, घर में lights क्यों off हैं? Thank you.
Officer, it's all good. It's all good. I'm not a thief. मैं भी पुलिस नहीं हूं। कौन हो तुम? खेल रहे हैं। क्या? आप भी खेलेंगे? सर्वी, आपके पास भेजता हूं। थोड़ी देर वेट करेंगे? Thank you.
Surbhi! Surbhi! What? What's wrong? Calm down! Calm! Surbhi! What? What's wrong? What? Tell me, what the? Surbhi! Please! Who are you? Surbhi! You go! Oi! Never mind her, I'm talking to you! What are you doing in here? Who are you? You just can't come walking in here, you know, private property, pal. You hear me? Get out. Get out! Now! Yeah.
ये क्या घूर घूर के देख रहा है? लड़की की लाश कहाँ है? क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है तुझे? ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है? हाँ। ऐसे ही मारा था ना मुझे, मेरे कान पे ऐसे ही मारा था, याद है? मारा होगा, की होगी तुमने कोई बदतमीजी, लेकिन ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। मां जैसा नहीं तो मारा क्यों? प्यार क्यों नहीं किया? ये प्यार ही तो है ये सब। नहीं! सिर्फ नफरत की है। अगर ये बात है तो खड़ा हूं मैं तेरे सामने। मारने की तो आदत है ना तुझे, चल दबा दे मेरा गला, उतार दे फिर से अपना गुस्सा। आजा आजा। अपनी मां जैसा दूसरों को चोट, अपनों को चोट पहुंचाता है। मां अपनी मां मां सोच क्या रहा है? मारते से तेरी मां ने तुझे छोड़कर इसे चुना, तेरी मां की निशानी है ये। मार दे से
सोच मत, सोच मत। चाह रही हूँ। ओह समझी कि इसने मेरे हस्बैंड को मार दिया, राइट? यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पता है, देखा मैंने। मैं तुम्हारी साइन लैंग्वेज कितने अच्छे से समझती हूँ, पर तुम मेरी साइन लैंग्वेज समझती नहीं हो। क्या साइन लैंग्वेज समझना इतना मुश्किल है? ये कौन है? तुम्हारे पालने वाली माँ का बेटा है। पागल है बेचारा। इसकी असाइलम फाइल देख के मुझे सब पता चल गया। तुम्हें मारने के लिए बेताब था। बस असाइलम से भगाने में मदद कर दी मैंने और अब तुम्हारे पीछे पड़ गया। सबर ही नहीं है किसी में। किशोर हैड द सेम प्रॉब्लम, इसीलिए मारा गया। मैंने उससे कहा था कि मैं उस थर्ड ग्रेड अडॉप्टेड अनाथ लड़की को संभाल लूंगी, पर नहीं, वो समझा ही नहीं। देखा, मारा गया। को ट्रस्टी Oh.
जो मैं कभी किसी को बयां नहीं कर सकती, ये वो कहानी है, मेरी खामोशी की कहानी, मेरी चुप्पी में छुपी एक भयानक रात की कहानी। लेकिन ये रात मुझे कुछ सिखा के गई, ये समझा कर गई कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह को नहीं रोक सकती, बस हमें डटे रहना है, हिम्मत हारे बिना जिंदा रहना है, मुश्किल वक्त से गुजर जाना है, आने वाले कल की उम्मीद में जो रहते हैं उन्हें बीता हुआ कल हरा नहीं सकता। ख्वाबों के जब खून रिसे तो खुद ही चखता है, ऐसे वो अपने जख्मों पर मरहम रखता है। बेढंगी दुनिया में क्यों जज्बातों के हौसले गए, ऊपर ऊपर खामोशी है। सदियों से इंसानी फितरत का एक किस्सा है, जिसमें जहर नहीं उसको सबने ही कुचला है। मारो या फिर मर जाओ, जंगल के दो ही तरीके। अंदर अंदर ठीक है।